हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल एग्री मंत्रा में चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग आज हम ऑयल सीड्स और फाइबर क्रॉप्स के कुछ क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे क्रॉप्स की स्टडी करते वक्त आप हमेशा ध्यान में रखिए कि क्वेश्चन कौन से पूछ सकते हैं देखिए सबसे पहले तो क्रॉप पढ़ते वक्त आप उसका साइंटिफिक नेम ये सबसे इम्पोर्टेंट है बाद में उसका फैमिली देखिए बाद में ऐसा करते करते सीड रेट स्पेसिंग ईल्ड ये सब जो वैल्यूज़ है आप लर्न कर लीजिएगा बाद में जो इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ होती है बहुत से क्रॉप की इम्पॉर्टेंट वेरायटी फेमस वेरायटी आप ध्यान में रखिए बाद में इंपॉर्टेंट कल्टिवेशन प्रैक्टिस ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है जैसे कि रेटिंग इन जूट ये आया था अपने ए या फोर के मीनस में बाद में पडलिंग इन राइस ये इंपॉर्टेंट ऑपरेशन कुछ कुछ क्रॉप्स में के जैसे कि माल्टिंग इन बार्ले ये ऐसा आप स्टडी करें ये ध्यान में रखिएगा क्रॉप पड़ते वक्त ऐसा करिए बाद में शुरू करने से पहले मैं आपको एक याद दिला दूँ कि एग्री मंत्रा का जो यू का स्टेट एग्रीकल्चर सर्विस एग्ज़ाम का कोर्स है वो अपने मोबाइल ऐप पर लॉन्च हो चुका है और ऑफर भी शुरू है उस पर आप देख लीजिएगा ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है उसमें आप जाके ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वो कोर्स का डिटेल्स देख लीजिएगा शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑयल इन ग्राउंडनट सीड मूंगफली के बीज में कितना प्रतिशत तेल पाया जाता है तो इसका राइट आंसर है फोर्टी फाइव परसेंट फोर्टी फाइव से फिफ्टी फाइव परसेंट तक मूंगफली में तेल पाया जाता है बाद में सोयाबीन की बात करें तो बीस प्रतिशत तक पाया जाता है बाद में सबसे ज़्यादा कोकोनट में पाया जाता है सिक्सटी परसेंट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू वॉट इज़ द शेलिंग परसेंटेज ऑफ ग्राउंडनट क्रॉप देखिए जो सेलिंग परसेंटेज होता है यानी आपको छिलका जो निकलता है छिलका निकलने के बाद का जो प्रतिशत होता है यानी छिलका निकलना और बीज मिलना इनमें का ग्राउंडनट में कितना प्रतिशत होता है तो इसका राइट आंसर है सेवेंटी फाइव परसेंट ये ध्यान में रखिएगा अलग अलग क्रॉप्स के अलग अलग सेलिंग परसेंटेज होते हैं जैसे कि गार्डन पी पी का है फिफ्टी परसेंट के आसपास होता है ग्राउंड नट का सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव परसेंट के आसपास होता है ये ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट विच टाइप ऑफ सॉइल इज सुटेबल फॉर ग्राउंडनट क्रॉप यानी कौन सी प्रकार की मुद्रा मूंगफली इस फसल में उपयुक्त तो है देखिए मूंगफली जमीन के नीचे आती है तो उसके कारण क्या होता है जो मुद्रा होती है वो हमेशा सख्त नहीं होनी चाहिए वो थोड़ी फ्री होनी चाहिए तो उसके कारण इसमें ये सबसे ज़्यादा सैंडी सॉइल में अच्छे से ग्रो करता है ग्राउंडनट क्रॉप ये ध्यान में रखिएगा सैंडी सॉइल क्ले सॉइल काफ़ी कॉम्पैक्ट होती है यानी वो बहुत सख्त होती है तो सबसे राइट right आंसर है इसका सैंडी ऑइल नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेशो ऑफ फ्लावर पेक इज टू पॉड इन ग्राउंड नट देखिए रेशो पूछा गया है रेशो यानी इसका अनु अनुपात राइट right आंसर है इसका सेवन इज टू फोर इज टू वन आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में काफ़ी बार ऐसे ऑप्शन डाल दिए जाते हैं जैसे कि वन फोर सेवन फोर वन सेवन तो एग्ज़ाम के प्रेशर की वजह से बच्चा वहाँ पे कंफ्यूज़ हो जाता है पर आप आ, स्पेसिफिक करके जाइए वैल्यूज़ सेवन इज टू फोर इश टू वन इसका रेशो है फ्लावर इज टू पेग इज टू पॉड का बाद में व्हाट शुड बी द मॉइस्चर कंटेंट ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ ग्राउंड नट देखिए आप गोदाम में मूँगफली यानी कहाँ पर भी आप स्टोर करते हैं यानी संचयन करते हैं मूँगफली का उस उस समय कितना प्रतिशत नमी उसमें होनी चाहिए तो इसका राइट आंसर है आठ प्रतिशत देखिए अब ऐसे ध्यान में रखिए कि सभी जो तेल वर्गीय ये होते हैं यानी तेल वाले जो फसल होते हैं उसमें एट परसेंट से नीचे होना चाहिए आठ प्रतिशत से कम होना चाहिए मॉइस्चर यानी नमी और बाकी कुछ लेग्यूम्स होते हैं उसमें दस प्रतिशत से कम होनी चाहिए और धान जैसे कि सीरियल्स उ, 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 उनमें ट्वेल्व परसेंट से कम होने चाहिए ध्यान में रखिए सबसे कम ऑयल वाले जो होते हैं यानी तेल वाले जो फसल होते हैं उसमें एट एट प्रतिशत से कम रहते हैं बाद में है ग्रुप ऑफ मस्टर्ड प्लांट इज कॉल्ड एज यानी सरसों की जो फसल होती है उसके समूहों को क्या कहते हैं तो इसका राइट right आंसर है कनोला ये ध्यान में रखिए कनोला ये इसका राइट right आंसर है बाद में इसके फ्रूट को सिलिका कहते हैं फ्रूट ऑफ मस्टर्ड सिलिका बाद में पेक ग्राउंडनट से रिलेटेड है ग्राउंडनट का जो कवर होता है उसे पेक कहते हैं बाद में तुर तुर का जो होता है यानी पिजन पी का जो फूल यानी फूल फूल का समूह होता है इन्फ्लोरसेंस उसे रेसमें कहते हैं ये ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट विच अल्कोलाइड कॉजेस पंजेंसी मस्टर्ड यानी जो सरसों में तिकापन होता है वो किस वजह से होता है तो इसका राइट आंसर है अलिल आइसोथायोसाइनेट इसके वजह से क्या होता है सरसों में तिकापन होता है बाद में ओलियोरेजिन जो ऑप्शन है ये पीपर यानी मीरे जो होते हैं उनमें जो तिकापन होता है वो ओलियोरेजिन की वजह से होता है बाद में सीनिक ग्रीन ये कैबेज यानी पत्ता को भी आपको पता होगा उसमें तीखापन थोड़ा सा होता है उसके उस, ये ग्रीन के कारण उसमें तीखापन होता है बाद में कैप्सिसिन कैप्सिसिन ये चिली से रिलेटेड है कैप्सिकम एन उसका साइंटिफिक नेम है उस पर से आप अंदाज लगा सकते हैं कि कैप्सिसिन ये चिली यानी मिर्ची के पंजन से के लिए होता है इसका राइट आंसर है अलिल आइसोथायोसाइनेट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ़ द फॉलोइंग कंटेंट्स हाइस्ट अमाउंट ऑफ लिनोलेक एसिड यानी कौन से फसल में सबसे ज़्यादा लिनोलेक एसिड पाया जाता है इसे हम पूफा भी कहते हैं पॉली अन फैटी एसिड पूफा ये काफ़ी हद तक यूजफुल होता है हार्ट पेशेंट्स के लिए पूफा पॉली अन फैटी एसिड ये जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है तो इसका राइट right आंसर है सैफ फ्लावर इसमें सबसे ज़्यादा होता है लिनोलेक एसिड सेवेंटी एट प्रतिशत तक होता है सनफ्लावर में भी होता है पर थोड़ा कम होता है क्वेश्चन में पूछा गया था हाईएस्ट अमाउंट ये ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट है फाइबर मैच्योरिटी इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट जो कॉटन में फाइबर मैच्योरिटी होता है वो किस यंत्र से मापी जाती है तो इसका राइट right आंसर है एरिया एलोमीटर ये जो यंत्र है इसके कारण जो फाइबर की मैच्योरिटी होती है वो धागे की वो जो धागा होता है उसकी मैच्योरिटी हम गिन सकते हैं बाद में जो पायरानोमीटर है वो इनकमिंग सेलोर, सोलर सोलर रेडिएशन के लिए होता है बाद में हाइड्रोमीटर ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड के लिए होता है हाइड्रो यानी पानी पानी से रिलेटेड है तो लिक्विड की डेंसिटी के लिए है बाद में पिक्नोमीटर है ना पिक्नोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल के लिए होता है ये ध्यान में रखिएगा ये अलग अलग ऑप्शनस है बाद में व्हाट इज़ द वेट ऑफ वन बेल ऑफ कॉटन कपास का एक बेल का वजन कितना होता है तो इसका राइट आंसर है वन सेवेंटी के और अगर जूट का पूछा गया तो वन एटी के ये ध्यान में रखिएगा जूट का वन एटी है पर कॉटन का पूछा गया क्वेश्चन में तो वन सेवेंटी के इसका राइट आंसर है बाद में हु इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन पूछा गया है तो इसका राइट आंसर है सी डॉक्टर सी टी पटेल ये इन्होंने एच फोर नाम की वेराइटी यानी विश्व का पहला जो कपास है उसके हाइब्रिड जात एच फोर ये इन्होंने बनाई थी दो वेरायटी जी सिक्सटी सेवन और अमेरिकन नेक्टरलेस ये दो वेरायटी को क्रॉस करके एच फोर बनाया था विश्व की पहली वेराइटी इसलिए उनको फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन कहा जाता है वो विश्व की पहली हाइब्रिड वेरायटी है ये ध्यान में रखिएगा एच फोर और बाकी जो साइंटिस्ट है वो ग्रीन रिवोल्यूशन से रिलेटेड है देखिए डॉक्टर स्वामीनाथन ये फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया है भारत के ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर है बाद में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ये विश्व के ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर है बाद में डॉक्टर विलियम गौड ये इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन ये टर्म कॉइन किया था ये ध्यान में रखिएगा ये अलग अलग साइंटिस्ट के अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशन है नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग और सेपरेटिंग फाइबर्स फ्रॉम सीड कॉटन इज कॉल्ड एज यानी जो धागा होता है यानी फाइबर्स कपास के उसको बीच से अलग करने को क्या कहते हैं तो इसका राइट right आंसर है गिनिंग ये सभी ये ये जो गिनिंग प्रोसेस है ये सभी जो ऊपर का कपास होता है यानी वो धागा बन धागा बनता है जिससे वो फाइबर सेपरेट करता है कॉटन से यहाँ पे देखिए सीड कॉटन का गया है सीड कॉटन यानी देखिए सीड कॉटन और कॉटन सीड में फ़र्क होता है सीड कॉटन यानी सीड प्लस लिंट यानी कपास प्लस जो बीज होता है वो मिलाकर सीड कॉटन होता है और कॉटन सीड क्या होता है कपास अगर हमने निकाल दिया और बीज बच गया तो उसे कॉटन सीड कहते हैं ये सीड कॉटन है ये ध्यान में रखिएगा बाकी जो ऑप्शन है देखिए टॉपिंग टॉपिंग ये ब्रांचेस बढ़ाने के लिए करते हैं कॉटन में ही करते हैं ब्रांचेस बढ़ाने के लिए टॉपिंग करते हैं बाद में रेटिंग रेटिंग जूट जूट में करते हैं फाइबर अलग करने के लिए रेटिंग बाद में पेगिंग है मूँगफली यानी ग्राउंड नट में होता है ये ध्यान में रखिएगा विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए इंडिकेशन ऑफ मैच्योरिटी ऑफ शुगर केन यानी इनमें से कौन सा गन्ने की मैच्योरिटी नहीं दिखाता है देखिए ब्रिक्स वैल्यू सिक्सटीन टू एटीन ये बताता है मैच्योर हो गया है कि नहीं शुगर के बाद में ग्लूकोज कंटेंट लेस देन जीरो पॉइंट फाइव परसेंट ये भी बताता है बाद में प्रोड्यूस मेटेलिक साउंड ये भी इसकी मैच्योरिटी का इंडेक्स है बाद में केन डज नॉट ब्रेक इजीली ये नहीं है तो इसका राइट आंसर है केन डज नॉट ब्रेक इजीली क्योंकि देखिए केन मुड़ जाता है केन का टूटना ये मैच्योरिटी है केन का नहीं टूटना ये मैच्योरिटी नहीं है यहाँ पे नॉट पूछा गया था तो इसका राइट right आंसर है केन डज नॉट ब्रेक इजीली नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ नॉट फॉलोड इन टबैको यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन में नॉट पूछा जाता है नॉट की वजह से बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं तो इसका राइट right आंसर है रैपिंग यानी तम्बाकू में इनमें से कौन सी प्रक्रिया नहीं की जाती है नहीं पूछा गया है तो रैपिंग रैपिंग नहीं की जाती है रैपिंग ये शुगर के गन्ने में की जाती है वो गिरना जाए गन्ने इसलिए उन्हें पाँच छः गन्ने को बांध देते हैं उसे रैपिंग कहते हैं बाद में क्यूरिंग डी प्राइमिंग ये सब तम्बाकू यानी टबैको में किया जाता है क्यूरिंग देखिए पत्तियों को गर्म करते हैं उसके उसके यानी हार्वेस्टिंग के बाद का प्रोसेस है क्यूरिंग गर्म करना बाद में डी सक्रिंग सकर को रिमूव करना बाद में प्राइमिंग एक हार्वेस्टिंग की मेथड है टैको में जिसमें दो पत्तियाँ एक बर्ड ऐसे कुछ तो ऐसे ये हार्वेस्टिंग करते हैं वो राइप राइप लीव्स के यानी जो पक गए हैं पत्तियाँ उनके हिसाब से अपने खाने के हिसाब से उसे प्राइमिंग करते हैं ये हार्वेस्टिंग मेथड है नेक्स्ट है पोटैटो इज विच सीज़न क्रॉप देखिए इसका राइट आंसर है कुल सीजन क्रॉप आपने देखा होगा आलू ये जनरली ठंडे सीजन में आता है ठंडे मौसम का ये क्रॉप होता है आलू नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ शुगर केन प्लांटिंग इज जनरली फॉलोड इन कोस्टल एरियाज यानी इनमें से कौन सी प्लांटिंग की प्रक्रिया है जो समुद्र किनारे पर गन्ने के लिए उपयोग किया जाता है तो इसका राइट right आंसर है ट्रेंच मेथड ये जो मेथड होता है इसमें गड्ढे किए जाते हैं गड्ढे में गन्ने को प्लांट किया जाता है जिसके कारण क्या होता है गन्ने के गिरने की संभावना कम हो जाती है ये ट्रेंच मेथड ये कोस्टल एरिया में पाई जाती है ध्यान में रखिए इसके जो प्लांटिंग मेथड्स होते हैं शुगर केन के ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा नेक्स्ट है हाउ मेनी थ्री बजेट सेट्स शुड बी प्लांटेड फॉर वन हेक्टर ऑफ लैंड देखिए इसका राइट आंसर है थर्टी फाइव थाउजेंड टू फोर्टी थाउजेंड पैंतीस हजार से चालीस हजार तक थ्री बडेड पूछा गया है क्वेश्चन में अगर सिंगल बडेड पूछा गया होता तो एक लाख से एक लाख पच्चीस हजार तक बाद में अगर टू बजेट पूछा गया होता तो फिफ्टी टू सिक्सटी थाउजेंड तक पर इसके क्वेश्चन में पूछा गया है थ्री बजेट तो इसका राइट आंसर है पैंतीस हजार से चालीस हजार तक ये ध्यान में रखिएगा बाद में द इन्फ्लोरेशंस ऑफ शुगर केन इज़ कॉल्ड एस यानी शुगर केन यानी गन्ने के जो फूल होते हैं उसके गुच्छे को यानी इन्फ्लोरेशन को क्या कहते हैं तो इसका राइट आंसर है एरो ये ध्यान में रखिएगा बाद में होम जो है ये मूंगफली के ब्रांचेस को कहा जाता है बाद में स्पाइकलेट ये विट में व्हीट विट के रिलेटेड है ये ध्यान में रखिएगा एरो इसका राइट right आंसर है आई विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज़ अ टेम्परेट क्रॉप टेम्परेट यानी एकदम चिल मौसम यानी पंद्रह डिग्री से नीचे और जो होता है वो जनरली कौन सा क्रॉप टेम्परेट क्रॉप में आता है तो इसका राइट right आंसर है विट ये ध्यान में रखिएगा विट ये टेम्परेड क्रॉप है आप बो आप बोलोगे कि कैसे क्या मुमकिन है क्योंकि विट एकदम ठंडे यानी जम्मू कश्मीर में तो नहीं आता है पर उसकी जर्मिनेशन के हिसाब से ये डिसाइड किया गया है कि ये टेम्परेट क्रॉप है कि कौन सा क्रॉप है देखिए जो जर्मिनेशन में टेम्परेचर लगता है गेहूँ को वो बहुत कम लगता है यानी छः डिग्री तक यानी दस डिग्री के नीचे ही लगता है तो उसके कारण क्या होता है व्हीट का जो क्लासिफिकेशन होता है वो टेम्परेट क्रॉप में होता है ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ध्यान में रखिएगा वीट इज़ अ टेम्परेट क्रॉप बाद में गायनोफोर्स ऑफ ग्राउंड नट आर कॉल्ड एज तो इसका राइट right आंसर है पिग गायनोफोर जो होता है जो है ना फीमेल पार्ट जो यानी ज़मीन के नीचे जाता है उसे पिग कहते हैं ज़मीन के नीचे जाने बाद तो इसलिए इसका राइट right आंसर है पिग नट नहीं कहते हैं पॉड पॉड यानी अलग होता है पॉड यानी उसके फ्रूट को कहते हैं बाद में हॉम यानी उसके ब्रांचेस को कहते हैं पिग इसका राइट right आंसर है बाद में सबसे लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज आल्सो कॉल्ड एज ओजोनोस्फीयर ये देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है मेट्रोलॉजी से इसका राइट right आंसर आप कमेंट में दीजिएगा ट्रोपोस्पियर है कि स्टेटोस्पियर है कि मेजोस्पियर है कि एग्जोस्पियर है ये जो सभी लेयर होते हैं एटमोस्पियर के इनमें से एक को ओजोनोस्पियर भी कहा जाता है जिसमें ओजोन लेयर पाई जाती है तो इसका राइट right आंसर आप ज़रूर कमेंट में दीजिएगा बाद में वीडियो इन तक देखने के लिए धन्यवाद और आपको कोई भी तकलीफ रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और ऐप की लिंक आपको पता ही है डिस्क्रिप्शन में दी गई है ऐप का अच्छे से फ़ायदा कीजिए आपको सेशन अच्छे से समझा होगा हेल्पफुल लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा थैंक यू जय हिंद जय भारत